बिल्कुल उम्मीद नहीं थी. कल से मैं काफ़ी एंग्शियस थी कि रिजल्ट अच्छा जाएगा भी नहीं जाएगा, थोड़ा डर भी था, तो लगातार फ़ोन चेक कर रही थी. बट ये काफ़ी ही एक सडन सा एक मतलब इवेंट था विच हैज़ चेंज थिंग्स. आपके सब्जेक्ट क्या थे और ये कौन सा अटैम्प्ट था आपका जिसमें आपको सफलता मिली है? सब्जेक्ट मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री था और ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था जिसमें मुझे ये रैंक मिली है. यूपीएससी में प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू का एक अहम रोल रहता है. इंटरव्यू से कोई जुड़ा कोई दिलचस्प सवाल जो आपको याद आ रहा हो जिसकी वजह से आपको लगता हो कि हाँ फर्स्ट रैंक आई हो? इनफैक्ट बिल्कुल उल्टा था क्योंकि मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी इंटरव्यू से पहले. मेरे मॉक्स अच्छे जा रहे थे, मुझे लगा था इंटरव्यू मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. पर मैं बिल्कुल खुश नहीं थी इंटरव्यू के बाद. इंटरव्यू के बाद मैं ऑलमोस्ट रो दी थी अपने पेरेंट्स के सामने और कि अच्छा नहीं गया, या मुझे ज़्यादा उम्मीदें थी. मुझे लगा था थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे जो मुझे नहीं आते थे, तो मैंने नो 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 कई जगह बोला था. बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, तो आई एम हैप्पी कि दिस हैपेंड. और अभी जो टॉप की तीन लड़कियां हैं, वो तीनों लड़कियां हैं जो टॉपर हैं, आपको लगता है जो अभी आने वाली लड़कियां तैयारी करेंगी उनको भी टिप्स देना चाहेंगे? आई थिंक लड़की लड़कियों के लिए कुछ ऐसे अलग टिप्स नहीं है, बट आई एम हैप्पी दैट मोर एंड मोर वेमेन आर एंटरिंग इन टू नॉट जस्ट यूपीएससी बट हर फील्ड में आ रही हैं. एंड दैट इज़ बिकॉज फाइनली पीपल अराउंड देम आर गिविंग देम द स्पेस कि वो आगे बढ़ पाएँ, शिक्षा ले पाएँ, सिर्फ अर्बन एरियाज़ में नहीं, रूरल एरियाज़ में भी. तो आई थिंक जब तक ये सपोर्ट मिलता रहेगा, हम आगे आने वाले समय में और भी लड़कियों को देखेंगे. बीते कुछ साल आपके पढ़ाई में काफ़ी गुजरे होंगे, काफ़ी घंटों में पढ़ाई, कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? घंटे कभी काउंट नहीं किए और ये आई थिंक काउंट इतने ज़्यादा अहमियत भी नहीं रखते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट होता है कि उन घंटों में किस तरह की आपकी पढ़ाई हो रही है. तो पढ़ाई तो काफ़ी करनी पड़ती है, ये कुछ छुपाने वाली बात नहीं है. पर साथ साथ में थोड़ा अपने आप को बैलेंस करना, अपना ब्रेक्स लेना, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहा. आप फर्स्ट रैंक आ गई है तो आप कहीं प्लान किया कि कहीं घूमने जाना है किसी जगह? हाँ, घूमने का तो बहुत मन है, तो कहीं भी अभी देखूंगी कहाँ जाना है, बट हाँ आई वुड लाइक टू गो समवेयर. आपका रिजल्ट आया, अभी हम देख रहे थे कि जामिया की वीसी आई हुई थी. इससे पहले कभी जामिया की वीसी से आपकी मुलाकात हुई थी, कोई बात हुई थी, वो आपको जानती भी थी? जामिया की वीसी आप यूजुअली जब थोड़े बड़ी गैदरिंग्स होते थे या फिर डिस्कशंस ऐसे वाले होते थे तो तब उस समय पर बात हुई थी, बट वन टू वन बातें नहीं हुई थी. आपके कोई ऐसे दोस्त जिनका रिजल्ट ठीक ना रहा हो जैसा आप चाह रही हो, उनसे कोई बात हुई इस बीच आपकी? पॉइंट ये रहा है कि मैं अपने दोस्तों से भी ढंग से बात नहीं कर पाई हूँ, पर कुछ दोस्त थे जो मैं जिनका नहीं रहा पॉजिटिव रिजल्ट, पर उनसे अभी ढंग से बात करने का टाइम भी नहीं मिला है. मैं शाम को उम्मीद है थोड़ा टाइम मिलेगा तो तब मैं उनसे अच्छे से बात कर पाऊंगी. हम ये चीज़ देखते हैं कि जब भी कभी कोई रिजल्ट होता है तो लोग अक्सर भीड़ आती है, पर बहुत सारे लोग जो हमने जो फिल्मों में देखा है, सीरीज़ में देखा है कि जो लोग पास नहीं कर पाते हैं, जैसे आप भी, आपका सेकेंड अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो पाया होगा, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो निराश होंगे इस वक्त रिजल्ट अच्छा ना आने से? हाँ, और ये बहुत ही एक नेचुरल प्रोसेस होता है क्योंकि इतनी कम वैकेंसीज निकलती हैं हर साल और इतने लोग बैठते हैं, तो ये कितने कई लोग बहुत मेहनत करते हैं तब भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाता है. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि निराश नहीं होना चाहिए. जो कुछ भी आपको लाइफ देती है, इट्स समटाइम्स फॉर अ रीज़न ओनली. तो अगर आपके पास अटैम्प्ट बचे हैं, एंड आई थिंक इफ पीपल आर मोटिवेटेड इनफ देन दे शुड गो फॉर अनदर अटैम्प्ट. बट आई ऑल्सो थिंक कि देर आर मेनी अदर वेज एंड मेनी अदर एरियाज जहाँ पर लोग काम कर सकते हैं और करते हैं और काफ़ी सक्सेस गेन करते हैं. तो आई थिंक वट एवर इंटरेस्ट्स पीपल, आई थिंक उसमें वो करना चाहिए. एंड ये फेलियर के बाद लोगों को ये सोचना चाहिए कि इफ इट रियली मोटिवेट्स देम, देन दे शुड कंटिन्यू टू वर्क फॉर इट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट. आप यूपी के बिजनौर से हैं, इसके अलावा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा और बताइए. मैं बिजनौर से हूँ, बट मेरी मम्मी बुलंदशहर से हैं, पापा बिजनौर से हैं, बाकी फैमिली बिजनौर मुरादाबाद में ही रहती है. मेरी स्कूलिंग दिल्ली में हुई है, आई वॉज बॉर्न हेयर. मेरा भाई भी वो क्रिकेट खेलता है, तो अभी वो इनफैक्ट अंडर 25 के क्रिकेट कैंप को यूपी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यही है. पापा मम्मी किसी